अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे खजूर यानी कि मीठे लोज। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करेंगे। खजूर बनाने के लिए लेंगे हम मैदा 500 ग्राम, खरबूज के बीज 1 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे, सौंफ 1 टेबलस्पून, ये है खाने का सोडा 2 पिंच ऐड कर लेंगे, रवा 250 ग्राम। अब हम ऐड कर लेंगे घी, ये है 5 टेबलस्पून घी, इलायची पाउडर 1 टीस्पून, शक्कर ऐड कर लेंगे, 300 ग्राम शक्कर है ये। तो शक्कर को हम हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे और इसके बाद में ऐड कर लेंगे, यानी कि इसको कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे। 300 ग्राम शक्कर बराबर हो जाएगी इतने से आटे के लिए। 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर लेंगे। अब अच्छे से मिला लेंगे। अब हम आटे को भिगा लेंगे। अब बिल्कुल थोड़ा सा पानी लगता है आटे को भिगाने में, तो ज़्यादा हम सॉफ्ट नहीं भिगाएंगे आटे को, यानी कि सिर्फ आधी गिलास पानी लगा इतने आटे को भिगाने के लिए। आटे को सख्त ही गूंद लेना है, यानी आटे को हम पतला होने नहीं देंगे। ये देखिए अब आटा अच्छे से गूंदे गया। ये अब हम इसको ढक्कन से कवर कर देंगे, लगभग 10 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे। दस मिनट के बाद में हम इसके पेड़े बना लेंगे। अब दो पेड़े बनाएंगे बड़े साइज़ के। इस तरह से बना लेंगे पेड़े। अब हम ये पेड़े को बेल लेंगे, तो गिरदे के ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे। इस तरह से बेलेंगे। तो इसको हम ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे, मोटा ही बेलना है। इतना मोटा रखेंगे, ये देखिए इस तरह से रख लेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। यानी कि इसको लॉज का शेप देंगे। आप चाहे अपनी मर्जी के हिसाब से जिस तरह से शेप देना चाह रहे हैं दे सकते। इस तरह से शेप देंगे, कट कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे कट कर लेंगे। अब हम दूसरे पेड़े को भी बेल लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करेंगे। इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह से बेल लेंगे, मोटा रखना है, पतला नहीं बेलेंगे। इसको भी कट कर लेंगे हम बिल्कुल उसी तरह से। दूसरे वाले पेड़े का हम इस तरह से स्क्वायर शेप दे देंगे। इस तरह से कट कर लेंगे स्क्वायर शेप में।
अब ये फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तो अब हम तेल को गरम कर लेंगे। तेल को हम ज़्यादा हाई हीट पे गरम नहीं करेंगे, मीडियम हीट पे गरम कर लेंगे। और इसके बाद में इसके अंदर लौज डालेंगे इस तरह से। और तेल को हम ज़्यादा हाई हीट पे नहीं गरम करेंगे, नहीं तो हाई हीट में अगर ये फ्राई करेंगे तो ऊपर से जल जाते और अंदर से कच्चे रह जाते। आप लोग जिस तरह से चाहे इसका शेप दे ले सकते हैं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। और अब हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम हीट पे। कुछ देर के लिए हम इसको कढ़ाई में ऐसे ही छोड़ देंगे फ्राई होने के लिए। और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हम इसके साइड चेंज करते जाएंगे इस तरह से। ऐसे ही अलट पलट करके फ्राई करते जाएंगे हम, ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए। मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे। अब ये खजूर यानी कि लौज अच्छे से फ्राई हो गए, कलर अच्छे से चेंज हो गया, तो अब हम इसको निकाल लेंगे, अच्छे से छान कर निकाल लेंगे। दूसरा बैच भी हम बिल्कुल इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब इसको भी मीडियम हीट पे फ्राई कर लेंगे। अच्छे से कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेना है ये। और इसके साइड्स भी चेंज करते जाएंगे हम फ्राई होने के दरमियान। अब ये सारे खजूर रेडी है, फ्राई हो गए अच्छे से। अच्छे से छान कर निकाल लेंगे। और इसके बाद में ये फ्राई हो जाने के बाद में हम इसको कुछ देर हवा में खुला छोड़ देंगे। और इसको स्टोर करके रख सकते 2 वीक्स के लिए, ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होते। तो ये देखिए हवा में कुछ देर तक खुला छोड़ देने के बाद में ये इस तरह से अच्छे क्रिस्पी हो जाते। तो आप लोग भी ये खजूर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए। और इसको स्टोर भी कर सकते हैं ज़्यादा दिन के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। कोई भी एयरटाइट कंटेनर जार में डाल के रख सकते हैं इसको। तो आप लोग भी ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए। और अगर ये रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।